अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मुनीब अहमद खरल फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बेटेड ऑन कराची। व्यूअर्स, इस वक्त हम सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट्स की ऑन साइड लोकेशन पर मौजूद हैं। आप हमारे पीछे सेंट्रल पार्क के जो अपार्टमेंट्स हैं वो भी देख सकते हैं। आज हमें इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन जो है डिटेल के साथ अवैस भाई देंगे। अवैस भाई हमारे साथ जो है इस वक्त मौजूद हैं। इसके पेमेंट प्लान के हवाले से सारा जो है वो अवैस भाई हमें डिटेल से बताएंगे। ये अवैस भाई क्या हाल चाल है? ठीक है। ये अवैस भाई, सबसे पहले हमें थोड़ा सा इसकी लोकेशन के हवाले से गाइड कीजिएगा। ये कौन सी इसकी सराउंडिंग में कौन से प्रीसेंट जो हैं वो दिए गए हैं? मुनीब, सबसे पहले मैं बताता चलूं कि ये बेरिया पैराडाइज के अंदर प्रीसेंट 54 जो है वहाँ पे सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट्स दिए जा रहे हैं, जो कि इनके बिल्कुल सामने जो है वो सेंट्रल पार्क दिया जा रहा है, जिसका एरिया तकरीबन 32 एकड़ बनता है। ठीक है। और इसकी सराउंडिंग में जो है वो हमें प्रीसेंट बेरिया पैराडाइज के 250 गज और 500 गज के प्रीसेंट्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। ठीक है। और इसमें जो है वो टोटल 9 टावर्स जो हैं वो दिए जा रहे हैं। ठीक है। जिसमें से अभी जो है काफ़ी ज़्यादा हम पीछे देख सकते हैं कि इस टाइम पर कंस्ट्रक्शन का काम तेज़ी से जारी है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा हमें थोड़ा इस हवाले से गाइड कीजिएगा इसमें पार्किंग के हवाले से, कि हर अपार्टमेंट की अलग से सेपरेट पार्किंग दी गई है, क्योंकि पार्किंग का नॉर्मल इशू रहता है पार्किंग के हवाले से। तो इस हवाले से थोड़ा सा गाइड कीजिए। मुनीब, इसमें इस तरह से है कि यहाँ पे इसकी फ्रंट साइड जो बनती है पार्क वाली साइड, यहाँ पे सर्विस रोड दिया गया है, वहाँ पे पार्किंग की एक काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी मौजूद है। इसके अलावा जो वेस्ट ओपन बैक साइड है जो ग्रैंड मस्जिद को फेस कर रही है, उस साइड पर भी इसकी पार्किंग दी जा रही है। ठीक है। हमने पहले भी ये प्रैक्टिस देखी है बैरिया की तरफ से, कि जो बैरिया ने अपने अपार्टमेंट्स दिए हैं बैरिया हाइट्स के पीछे 19 वाले या डेस्कॉन टावर्स की हम बात करते हैं, तो वहाँ पे भी जो है वो एक वसी निज़ाम दिया गया है पार्किंग का। उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे भी हमें जो है वो एक अच्छी कैपेसिटी में जो है वो पार्किंग मिलती है, जिसका ये मतलब है कि आने वाले टाइम में जब ये डिलीवर होंगे, पोजेशन दिया जाएगा, फैमिली शिफ्ट हो जाएंगी, तो पार्किंग का ऐसा हमें यहाँ पर इशू देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। और हमें इस हवाले से थोड़ा सा गाइड कीजिएगा, जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पे 9 टावर्स जो हैं वो बनेंगे, तो अभी तक यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का क्या सोचा है, कितने टावर्स बन चुके हैं कंस्ट्रक्शन में? यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि 8 टावर्स इस टाइम रेडी हैं। ठीक है। और उनके काफ़ी ज़्यादा फ्लोर्स भी जो हैं वो इस टाइम पर रेडी हो चुके हैं। ठीक है। काम जो है वो तेज़ी से जारी है। ठीक है। 4 साल का ये प्रोजेक्ट था बैरिया की तरफ से जो दिया गया था, और इस टाइम 2 साल जो है वो इसको हो चुके हैं। ठीक है। तो उस पेस से ये काम जो हो रहा है उसको अगर हम देखते हैं, तो ये टाइम से पहले जो है वो हमें डिलीवर होता नज़र आ रहा है। ठीक है। हमें थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स के हवाले से गाइड कीजिएगा कि अभी इसमें जो है हमें प्री बुकिंग वाले रेट्स में कोई अपार्टमेंट मिल जाता है, या अभी इस पर ऑन चल रहा है? नहीं, इसमें इस तरह से है कि यहाँ पे बैरिया टाउन कराची की तरफ से 2 डील्स दी गई थी। ठीक है। ओल्ड डील और न्यू डील का नाम दिया गया है, जिसको ओल्ड डील की अगर मैं बात करता चलूँ तो वो 75 लाख में जो है वो लॉन्च की गई थी, और उसकी डाउन पेमेंट जो है वो 6 लाख समथिंग जो है वो रखी गई थी। ठीक है। और बाकी जो है वो 16 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स रखी गई थी। ठीक है। जिसमें से इस टाइम पे 7 इंस्टॉलमेंट्स हैं वो जा चुकी हैं, और बाकी इंस्टॉलमेंट्स अभी रिमेनिंग हैं। ठीक है। अगर मैं आपके सवाल का जवाब देता चलूँ यहाँ पे, कि प्री बुकिंग रेट्स पे हमें यहाँ पे इस टाइम पे कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे हम देख सकते हैं ग्रे स्ट्रक्चर में अच्छी खासी जो है वो टावर्स रेडी हो चुके हैं। ठीक है। इस टाइम पे यहाँ पे जो है वो ऑन चल रहा है। ठीक है। जो ओल्ड डील दी गई थी उसके ऊपर जो है वो इस टाइम पे 10 से 15 लाख का जो है वो ऑन देखा जा रहा है मार्केट में। ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन, अगर हम पार्क फेस वाली साइड पर आते हैं तो हमें ज़्यादा ऑन देखने को मिलता है, और जो इसकी दूसरी साइड है जो हमारी बैक साइड बनती है वो वेस्ट ओपन होंगे सारे अपार्टमेंट्स, और ग्रैंड मस्जिद को जो है वो फेस करेंगे। ठीक है। इसी तरह से न्यू डील जो है वो बैरिया की जानिब से रिसेंटली लॉन्च की गई थी 90 लाख के अंदर। ठीक है। और 30% उसकी भी डाउन पेमेंट रखी गई थी, और उसकी भी जो है वो इंस्टॉलमेंट प्लान इस टाइम पर चल रहा है, और इस टाइम पर हमें न्यू डील पर भी जो है वो ऑन देखने को मिल रहा है। ठीक है। जो कि 8 से 12-15 लाख के दरमियान में डिपेंड करता है, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन। अगर हम पार्क फेस कैटेगरी में जाते हैं अपार्टमेंट की, तो उस पर हमें ज़्यादा ऑन देखने को मिलेगा, और वेस्ट ओपन या ग्रैंड मॉस्क फेसिंग जो अपार्टमेंट्स होंगे उनका थोड़ा कम जो है वो ऑन चल रहा है एज़ कम्पेयर टू पार्क फेसिंग। ठीक है। अच्छा, वैसे भी हमारे व्यूवर्स के हवाले से थोड़ा सा गाइड कीजिएगा कि सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट्स में जो है वो इन्वेस्ट करना कैसा है, और अगर हम हमारे व्यूवर्स यहाँ पे आके खुद रहना चाहें तो उस हवाले से थोड़ा सा गाइड। एंड यूज़र के हवाले से अगर मैं बात करता चलूँ तो रहने के लिए एक इंतहाई अच्छी लोकेशन है, जैसे कि बैरिया पैराडाइज, जो बैरिया के अंदर विद इन एक गेटेड कम्युनिटी दी गई है बैरिया टाउन कराची की जानिब से। और लोकेशन की अगर हम बात करते चले तो हमारी सराउंडिंग में व्यूवर्स ने देखा ही है कि ये सेंट्रल पार्क दिया जा रहा है। ठीक है। जो कि एक इंतहाई अच्छा खूबसूरत इन्वायरमेंट है, ग्रीनरी के अंदर इन्वायरमेंट है। ठीक है। तो एंड यूज़र के लिए तो इससे बेहतर जगह नहीं हो सकती। ठीक है। पुरसकून एरिया है, यहाँ पर आपको जो है वो वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ दी जाएंगी, लग्जरी लाइफ स्टाइल दिया जाएगा। ठीक है। और दूसरा सवाल जो आपका इन्वेस्टमेंट के हवाले से था, इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी ये बहुत एक आइडियल प्रोजेक्ट साबित हो सकता है, जिस तरह कि हमने देखा कि पहली बैरिया हाइट्स के अंदर भी जिन लोगों ने बुकिंग्स करवाई थी, ठीक है, बाद में उनको एक अच्छा खासा जो है वहाँ से प्रॉफिट आया है। तो यहाँ पे भी अगर आज आप बुकिंग करवाते हैं तो आने वाले टाइम में यकीनन आपको जो है वो एक बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हासिल हो सकता है, या अगर आप अपने रहने के लिए
की बुकिंग करवाते हैं, आप एक वर्ल्ड क्लास जो है वो लग्जरी लाइफस्टाइल अगर अपनाना चाह रहे हैं बैठे टाउन के अंदर, तो उसके लिए भी सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट से बेहतर आपको कोई जगह नहीं मिलेगी। यूवर, जैसा कि अवैस भाई ने हमें इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट्स के हवाले से, कि मतलब अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अभी जो है ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, ग्रे स्ट्रक्चर की बिल्डिंग इसकी रेडी हो रही है और इस पे ऑन जो है वो 10 से 15 लाख रुपया चल रहा है। तो जब इसकी बिल्डिंग जो है वो कम्प्लीट हो जाएंगी और इनका पोजेशन दे दिया जाएगा तो इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। डेफिनेटली इसके प्राइस जो है वो उनमें हमें एक अच्छा खासा बूम देखने को मिलेगा। और अगर हम मतलब यहाँ पर खुद रहना चाहते हैं एंड यूज़र बन के, तो उस हवाले से भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट जो है वो सेंट्रल पार्क की फेसिंग में दिए गए हैं और मतलब एक अच्छी लोकेशन है। जैसा कि अवैस भाई ने हमें बताया कि 32 एकड़ के जो है एरिया पर ये सेंट्रल पार्क दिया गया, जो कि एक मुनफरद जो है वो एक खूबसूरती का अच्छी जो है वो एक लोकेशन है। तो सेंट्रल पार्क के हवाले से या बैरियटन कराची के हवाले से आपकी कोई भी क्वेरी हो या आप किसी भी प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड हो, आप हमारे दिए गए स्क्रीन पर नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया, जजाकल्ला।